सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं रॉयल पर क्लासिक नेक्स्ट जेन के बारे में। अभी हाल ही में एक नया कलर आपको देखने को मिला होगा, ट्रिब्यूट कलर। वैसे तो नया कलर नहीं है, बट नेक्स्ट जनरेशन के लिए नया कलर है, ठीक है। तो ट्रिब्यूट कलर आपने देखा होगा 500cc में। जब 500cc डिसकंटिन्यू हुई थी तब आपने देखा होगा कंपनी ने ट्रिब्यूट कलर निकाला था। ब्लैक, शाइन ब्लैक और मैट ब्लैक का कॉम्बिनेशन था, जो कि बहुत ही अच्छी लगती थी। और अपने फ़ोटो आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। मतलब जब ये PS4 था, जब डिसकंटिन्यू हुआ था 500cc तब, और अभी आपको नेक्स्ट जेन में देखने को मिलेगा। कुछ फ़ोटो आई हैं, आप देख सकते हो, फ़ोटो उतना क्लियर नहीं है तो पता नहीं चल रहा है, बट जब ये लॉन्च हो जाएगी, जब आप सामने से देखोगे तो बहुत ही प्यारा कलर है। ये कलर और एक क्रोम ब्लैक कलर, दोनों ही बहुत ही प्यारा कलर मुझे लगता है। बिकॉज आपने देखा होगा जो क्रोम कलर है उसमें भी रिप जाती है ब्लैक और गोल्ड में। सेम ऐसा इसमें भी है ब्लैक, ट्रिब्यूट ब्लैक में, कि ब्लैक के ऊपर एक स्ट्रिप जाती है ब्लैक और गोल्ड में, जो कि बहुत ही प्यार लगता है दोनों ही गाड़ियाँ। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट जेन के अगले कलर की, जो कि सिग्नल कलर। पहले ही आपने देखा होगा सिग्नल कलर और एक मटमैला कलर था। तो अब जो सिग्नल कलर का ना वीडियो देखने को मिला है, जो कि वीडियो के जरिए आप देख सकते हो कि गाड़ी कैसा लग रहा है। और सिग्नल कलर तो बहुत ही प्यारा कलर है, शुरू से ही आपने देखा होगा बहुत लोगों के फेवरेट है। गन मेटल ग्रे और लोग सिग्नल कलर में ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, तो सिग्नल कलर आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम बात करते हैं लॉन्च डेट की। तो गाड़ी तो लॉन्च अब लगभग जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, यूट्यूब पर चैनल हैं बाइक के बारे में जो जानकारी देते हैं, तो लगभग सभी ने पता ही दिया कि 27 या 28 अगस्त को गाड़ी आ जाएगी, लॉन्च हो जाएगी, और पूरा तैयारी हो चुका है। सो हम बात करते हैं हम गाड़ी की बुकिंग की। सो गाइस, BS6 की बुकिंग अब बंद हो चुकी है, शोरूम बुकिंग लेना बंद कर दी है। और अगर कहीं बुकिंग हो भी रहा होगा, थोड़ा बहुत जो स्टॉक बचा होगा वो गाड़ी निकालने में कंपनी निकाल रही होगी उसी को, तो BS6 की बुकिंग हो गई है तो बैड न्यूज़ था, क्योंकि बुकिंग बंद वाला समझ रहे हो अब तो BS6 मिलेगा भी नहीं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जेन की। तो नेक्स्ट जेन की बुकिंग चालू हो चुकी है, तो ये है खुशखबरी कि जो इंतज़ार कर रहे थे नेक्स्ट जेन का, वो जाके बुकिंग करा सकते हैं। हाँ, बट ये है कि बुकिंग करने के बाद आपको तुरंत तो नहीं मिलेगा, और बुकिंग में आपको ये भी नहीं रहेगा कि कौन सा कलर है, कौन सा वेरिएंट, कौन कितना, कौन सा एलॉय लगवाना चाहते हो, नेविगेशन वाला चाहिए, बिना नेविगेशन वाला चाहिए कि नहीं, तो ये सब अभी आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ये ऑप्शन जब गाड़ी पूरी तरह लॉन्च हो जाएगी तब आप बाद में जो उनके पास लिस्ट आएगा कलर का, वेरिएंट का, बाकी जो ऑप्शन रहेंगे आप वहाँ जाके सिलेक्ट कर सकते हो बाद में। पहले फ़िलहाल आप बुकिंग कर सकते हो 10,000 रुपये दे के, और बुकिंग करने के बाद आपको कंपनी बोलती है कि 2 महीने के अंदर गाड़ी दे देंगे, बट ऐसा नहीं होगा। कंपनी का हमेशा का रोना है, सो इस बार भी रोना ज़रूर होना है। ये तो राइम बन गया, रोना ज़रूर होना है। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही है कि 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना लग रहा है, अभी तक तो किसी को गाड़ी भी नहीं मिली है। सो नेक्स्ट जन में भी ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि मांग बहुत है, डिमांड बहुत है, कंपनी सप्लाई बहुत ही कम मात्रा में कर पाती है, ठीक है। तो रीज़न ये है, बाकी मान के चलिए कि 3 से 4 महीना लग जाएगा आपको नेक्स्ट जनरेशन मिलने में भी। और हम बात करते हैं अब बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर, जो कि मेरा है और बहुत ही लोगों का है, और मुझे बेसब्री से इंतजार है उस कलर का, जो कि है क्रोम ब्लैक। सभी मतलब लगभग सभी कलर देखने को मिल गई हैं, बट अभी तक क्रोम ब्लैक और ग्रे देखने को नहीं मिला है। 3-4 वेरियंट जो बहुत ज़्यादा बिकते हैं, आपने देखा होगा कलर में, गनमेटल ग्रे, आपका क्रोम ब्लैक, स्टेल ब्लैक, सिग्नल, तो ये सब जो कलर है बहुत ही ज़्यादा मांग रहती है इनकी, और बहुत ज़्यादा बिकते भी हैं। तो बाकी लगभग सब कलर दिख गए हैं गनमेटल ग्रे और क्रोम को छोड़कर। अब देखिए कंपनी कब इसको रिवील करती है। कंपनी क्या, कंपनी तो जिस दिन लॉन्च करेगी उसी दिन रिवील करेगी, बट कई लोग फ़ोटो भेज देते हैं ना भाई, जरिया मिल जाता है हमको फ़ोटो देखने का। सो देखते हैं, जल्द से जल्द मिल जाए ऑप्शन तो मज़ा ही आ जाएगा। क्रोम का इंतजार बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। अब हम बात करते हैं कुछ चेंजेस की। चेंजेस तो ऐसे बहुत ही सारी गाड़ियाँ में, ऐसे पता नहीं चल रहा है, बड़ी बड़ी चेंजेस दिख जा रही है, बस छोटे मोटे चेंजेस अपने अभी आप नहीं देख पा रहे होंगे। तो बात करते हैं, अपने जब आपने देखा होगा BS6 में तो साइड में बॉक्स थे, आपका टूल बॉक्स और एक फ़िल्टर बॉक्स है जहाँ एयर फिल्टर लगता था, ठीक है। तो वो जो साइड के बॉक्स थे बहुत ही ज़्यादा निकले हुए थे BS6 में, बहुत ही ज़्यादा नहीं, ठीक ही लग रहा था, लगभग हल्का सा कर्व था बस, ठीक है। बट जो नेक्स्ट जनरेशन में आपने देखा होगा कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ है कि बॉक्स को थोड़ा दबा दिया गया अंदर की तरफ, है ना, और उसको ना थोड़ा ज़्यादा कर्व कर दिया गया है, तो वो थोड़ा चेंजेस लग रहा है, और मतलब थोड़ा उभरा उभरा, मतलब साइड से दिख नहीं रहा उस टाइप से, तो वो थोड़ा चेंजेस है, ठीक है। और चेंजेस बहुत सारे हैं, गाड़ी लॉन्च हो जाएगी तो पता चल जाएगा जब कंपेयर करेंगे तब,
ठीक है। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोग आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी अपडेट आते रहेंगी।